दोस्तों आज आलू मटन कलेजी बना रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपने कमेंट्स मुझे भेजें। देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कलेजी को साफ़ करना ही सबसे बड़ा काम है इसमें। इसके लिए हमने क्या करना है, साफ़ पानी में 4-5 बार हमने कलेजी को धो लेना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए उबालना है। एक सिनेमन स्टिक डाल देंगे इस पानी में और उस पानी में हम इसको उबाल लेंगे 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं उबालेंगे। पानी से इसको अलग कर देंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है। पूरी रेसिपी हम सरसों के तेल में बनाएंगे, इसलिए हमने पैन में सरसों का तेल डाल दिया है। सॉरी इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और हमने कलेजियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा लाल लाल होने तक इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। हल्दी डालने का कारण यह है कि इससे थोड़ा सा इसका कलर बढ़िया सा आ जाएगा, इसलिए हल्दी हमने इसमें शामिल किया। इसमें नमक नहीं डालेंगे, याद रखना है नमक नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी डाल के इसको हमने फ्राई करना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा बदल जाए, उलट पलट के इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। डीप फ्राई इसको हम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा बदल गया है, लाल लाल सा कलर आ गया है इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब उसी सेम पैन को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें आलू भी डाल रहे हैं। तो आलू को हमने क्यूब्स में काट लिया है और इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसमें हम हल्दी और नमक डाल के इसको हमने फ्राई करना है। इसका भी हमने कलर चेंज करना है। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसको भी हम इसमें से निकाल लेंगे। अब देखिए कलेजी और आलू दोनों ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो तेल बचा हुआ है, इस तेल को हम यूज़ करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो और तेल इसमें ऐड कर लेंगे। सारी रेसिपी सरसों के तेल में बन रही है। अब इसमें हमने डाल दिया है तेज़पात, कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। बहुत ज़्यादा हम गरम मसाले, खड़े मसाले नहीं डाल रहे हैं। और जो है ना, तेज पत्ते को छोड़ के बाकी को हमने निकाल लिया है, इसको हम पीस लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची जो हम पेस्ट बनाएंगे, उसके साथ हमने जो गरम मसाले जो निकाल लिए थे इसमें से तेज पत्ते को छोड़ के, उसको हम पीस लेंगे। अब डाल दिया है कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए, ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना, इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, अभी थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होने को है। ये देखिए हो गया है। अब इसमें हम मसाले को मिला देंगे, जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और जो गरम मसाले जो निकाले थे हमने तेज़पात को छोड़ के, उन सबका ये पेस्ट है, उसको हमने मिला दिया है। अब कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। इसमें है ये लाल मिर्च है, हल्दी है और थोड़ी सी पिंच ऑफ शुगर है। शुगर आपको पता ही है, थोड़ा कलर और टेस्ट को बैलेंस करेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। फिर डाल दिया है कटा हुआ टमाटर। टमाटर का हमने पेस्ट नहीं बनाया है, स्लाइस करके डाले हैं। इसकी प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा नमक। चला लेंगे। अब थोड़े से और सूखे मसाले डालेंगे। इसमें है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च। लाल मिर्च हम पहले ही डाल चुके हैं, अब डाल रहे हैं कश्मीरी मिर्च। ये सारे सूखे मसाले भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और इनको अच्छे से हम चला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले नीचे से लग ना जाएं। ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई कर रखे थे आलू और कलेजी। इसको हमने मसालों के साथ इसकी अच्छी सी कोटिंग कर देनी है हमने। इसको ढककर 5 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर इसको चलाएंगे, फिर ढकेंगे, फिर चलाएंगे। ऐसे हमने 5 मिनट के लिए मसालों के साथ इसकी कोटिंग हमने करनी है।
ढक ढक के 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जो देखिए कितना बढ़िया इसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है, मसाला एकदम पककर तैयार है। इसको हमने ढककर 5 मिनट के लिए पका लिया है। अभी इसमें पानी हमने शामिल नहीं किया है, अभी सिर्फ मसालों के साथ ही इसको पकाया जा रहा है, क्योंकि प्याज टमाटर का जो अपना पानी जो रिलीज़ होगा उसी में ही ये अभी पक रहा है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितने में कि ये कलेजी पककर तैयार हो जाए। ये देखिए पानी, ये थोड़ा सा हल्का गर्म पानी होना चाहिए और इसको ढक के हम आधे घंटे के लिए पकाएंगे, क्योंकि आधे घंटे का समय इसको लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 मिनट के लिए बॉयल था, फिर हमने इसको फ्राई भी किया है थोड़ा सा, तो इसको आधा पौना घंटा तो इसको लगेगा। बीच में इसको चेक करते रहेंगे, पानी अगर कम लगे तो पानी और शामिल कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी गीली सब्जी नहीं हम बनाएंगे, सूखी थोड़ी सी लगी लगी सी मसालेदार सब्जी इसको हम बनाएंगे। ये देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कितना ये पका है। ये काफ़ी पक चुका है, 1 मिनट के लिए और इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती मिला दे रहे हैं, सब्जी बनकर तैयार है, धनिया पत्ती इसमें मिला दे रहे हैं और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसको फिर हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ढक के अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, कितनी सुंदर ये लग रही है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए ये सब्जी आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और खाएं, और अपने कमेंट्स मुझे भेजें। इसको रोटी पूरी पराठा किसी के साथ भी सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।